Om Shanti. Om Shanti. Shrimad Bhagvad Gita ke tisre aur chauthe adhyay mein kal humne dekha ki Bhagwan ne Arjun ko कर्मेंद्रिय को जीतने की प्रेरणा दी. बार बार उसे यही कहा कि हे अर्जुन, मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं और इसीलिए इंद्रियों पर संयम बहुत ज़रूरी है. और शायद आज के विश्व के अंदर ये संयम न होने कारण ही कई प्रकार के कलह क्लेश, कई प्रकार का भटकाव, कई प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद जीवन के अंदर अनुभव होता है. और इसीलिए आवश्यकता है कि जितना हम अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रख लेते हैं तो कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, कई प्रकार के कलह क्लेश से, आपसी मतभेद से हम बच जाते हैं. फिर चौथे अध्याय में जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको दिया, तो कहा सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, भावार्थ सूर्यवंशियों को दिया. जहाँ से चंद्रवंशियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी ये ट्रांसेंड हुआ था, लेकिन कलयुग के समय में ये लुप्त हो गया क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का संचार होने लगा. कलयुग में मनुष्य की जो प्रकृति है अधिकतर तामसिक प्रकृति होने कारण वो जीवन के अंदर सहज अचीवमेंट चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते हैं, और उस कारण से ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये विजडम समाप्त हो जाती है. लेकिन जैसे जैसे कलयुग के अंत में मनुष्य विवशवान हो जाते हैं, संस्कार रहित हो जाते हैं, तब पुनः भगवान को आना पड़ता है इस संसार को ठीक करने के लिए और ये ज्ञान प्रदान करते हैं. लेकिन जब भगवान से ये प्रश्न पूछा कि क्या आप हमारी तरह पैदा होते हो, तो भगवान ने स्पष्ट कहा नहीं, मैं प्रकट होता हूं क्योंकि मैं अजन्मा हूं और इसीलिए तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते. कौन देख सकता है? तो कहा जो वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, वो मेरा स्वरूप अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के दिव्य चक्षु से ईश्वर को देख सकते हैं. उसके बाद भगवान ने पुनः सब्जेक्ट को चेंज किया और कर्म की गुह्य गति को समझाना चाहा और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है और इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है क्योंकि तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो. तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं कि मान लो कि मैंने धरनी के अंदर एक बीज बोया, अपने हाथों से मैंने बीज बोया, उस बीज को सींचा, पौधा निकला, पौधे को सींचते हुए धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा
और वो पौधा वृक्ष हो गया। उस वृक्ष के ऊपर फल लगे। मैंने उस फल को तोड़ा और खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्म में कोई अंतर है? दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। क्या कहेंगे? एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है। और बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से इतना वो पावरफुल कर्म है जो मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है, और वो भी हर सीजन में रिकरिंग है। तो कितना पावरफुल वो कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाना वो अकर्म है, क्योंकि उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। बीज बोने का जो कर्म है उसका फल है, लेकिन फल खाने का जो कर्म है उसका कोई फल नहीं। वो अकर्म है, वो कर्म वहां समाप्त हो जाता है। खाया, सेटिस्फैक्शन मिला, समाप्त। तो बीज बोने का कर्म श्रेष्ठ कर्म, फल खाने का कर्म अकर्म। और विकर्म किसको कहा जाता है? विकर्म यानी विकृत कर्म, जो विकारों के वश किया गया कर्म है उसको कहा जाता विकर्म। लेकिन आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान योगी है। जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। अब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है। भावार्थ के बीज बोना ये कर्म है, फल तोड़ के खाना ये अकर्म है। नॉर्मल इंसान यहां तक करता है, लेकिन बुद्धिमान योगी क्या करता है कि फल खाने के बाद उस बीज को फेंक नहीं देता, उस बीज को पुनः रोपित करता है। तो अकर्म में कर्म, अकर्म में श्रेष्ठ कर्म पुनः कर लेता है, वो बुद्धिमान है। मना अनेक जन्मों को भी हम संवार लेते हैं। बहुत सुंदर एक दृष्टांत मुझे यहां याद आता है कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। अब जैसे ही शादी हुई और घर में बहू आई, तो पहले दिन ही छोटी बहू को दोनों बड़ी बहू ने ससुर जी का नियम समझा दिया, ससुर जी के कायदे बता दिए कि भाई ससुर जी का ये कायदा है कि दान नहीं करना। अब जिस परिवार से ये छोटी बहू आई थी उसके पिता ने उसको यही शिक्षा दी, दान करना। अब यहां ससुर जी का कायदा बता दिया गया कि दान नहीं करना, किसी को कुछ देना नहीं।
ठीक है नहीं देंगे. कुछ समय बीत गया, कुछ समय के बाद एक भिखारी आता है गेट पर और उसने वहां से पुकारा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो. छोटी बहू ऊपर गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी, उसने सुना ये बात तो उसने ऊपर से जवाब दिया कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे. जैसे ये बात सुनी भिखारी वहां से चल देता है. नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे. उसको बड़ा गुस्सा आया, ये छोटी बहू क्या कहती है, बासी खाना खा रहे हैं? कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन हमने उसको उपवास रखने के लिए कहा, ये तो हमें बदनाम कर रही है. बड़ा गुस्सा आया उनको कि आज भिखारी को कहा, कल समाज वालों को कहेगी, किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया. ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए जो हमारी ही बदनामी करे. उसने उसके पिता को फोन कर कह दिया कि भाई आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की. पिता ने सोचा मेरी लड़की इतनी समझदार है, इतनी मैच्योर है, वो ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. अब उस जमाने में तो लड़की को वापस ले आना पिता के लिए भी इज्जत की बात होती थी, अब क्या किया जाए. तो पिता ने गांव के पंचों के पास जाकर ये बात रखी कि भई आप सब तो मेरी लड़की को जानते हो, कितनी समझदार है, लेकिन उसके ससुर ने फोन करके बताया कि लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कृपा आप मदद करिए. तो पंचों ने कहा बात तो सही है, लड़की तो इतनी समझदार है, कभी उसके विषय में कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनी. तो कहा ठीक है, हम सेठ जी को ही बुला करके पूछते हैं कि भाई क्या बात है. सेठ जी को बुलाया और पूछा भाई क्या बात है, तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया. कह रहे वो भिखारी आया और भिखारी से उसने कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे. अब किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा गया, ये क्यों हमें बदनाम कर रही है, आज भिखारी को कहा, कल समाज वाले को कहेगी. तो पंचों ने कहा अगर उसने ये बात कही है तो गलत बात है, लेकिन एक काम करते लड़की को ही बुलाकर पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा. लड़की को बुलाया गया कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा, तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूं. लेकिन वो भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो. उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे. उसका भाव यह था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कभी दान ही नहीं किया. जब दान ही नहीं किया तो दूसरा जन्म उसका भिखारी का रहा. भिखारी के जीवन में कुछ था ही नहीं जो दान करे, इसलिए ये जन्म भी भिखारी का रहा. तब उसने कहा कि मैं 3 जन्म से तरस रहा हूं कि अब मेरे पास कुछ हो जो मैं भी दान करूं ताकि आगे का जन्म मैं संवार लूं. अकर्म में कर्म. लेकिन हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना, इसलिए मैंने उस भिखारी से ये बात कही
कि ये जो तुम देख रहे हो, हवेली जो देख रहे हो, ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है ना? तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कल हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा, है ना? कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है कि जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं है। ये है अकर्म में कर्म, जो विधि बताई गीता के अंदर भगवान ने। और ऐसे जब अकर्म में कर्म व्यक्ति करता है तो समझदारी से, ज्ञान अग्नि है, ज्ञानाग्नि से पूर्व विकर्म को भी वो दग्ध कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, क्योंकि वो विकर्म ही अनेक प्रकार की भोगना का स्वरूप ले सकता है, इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है। तो ज्ञानाग्नि से विकृत कर्म जो हो गए अनजानेपन में, उसको मुझे ठीक करना, यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अब ठीक कर लो अपने आप को। अब तक चलो अज्ञानता के कारण हम सभी ने भी कई गलतियां कर दी, कई त्रुटियां हो गई, लेकिन अब ज्ञानाग्नि से उसको ठीक तो कर सकते हैं, यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान हमें धारण करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद ज्ञान का महत्व बताते हैं और अर्जुन का पुनः एक सवाल है, और सवाल क्या है अर्जुन का, कि हे प्रभु, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। तब भगवान उसको बताते हैं कि किस तरह ज्ञान की धारणाएं जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करती है। और इसलिए कहा कि जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ हो, वह अपरिग्रही शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है, और वो जीवन की धारणा की बात बहुत सुंदर तरीके से भगवान स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित है, अभिमान से मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है, और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। विकर्म का कारण क्या है? ईर्ष्या, द्वंद, जो अंदर में एक द्वंद चलता है, मानसिक द्वंद, वही विकर्म को जन्म देता है, विकृति को जन्म देता है। अभिमान, संग दोष, आसक्ति, जब संतुलन जीवन के अंदर नहीं है, ये सब कारण है जो विकृत कर्म की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानाग्नि से उसको दग्ध कैसे कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। अब कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं या कहते हैं कि बहन जी, हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। भाई, हर एक अपना अपना जीवन में जो किया हुआ है वो भोग रहा है, तो हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। लेकिन दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? ये अनुभव है ना, कि हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, लेकिन दूसरे जब हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? तब तो अंदर में द्वंद्व चलता है,
तो ये संभव कैसे है? देखो, अगर कोई ईर्ष्या करता है आपसे तो भी आप निश्चिंत रहो, द्वंद्व में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? कोई भी इंसान ईर्ष्या कब करता है? थोड़ा एनालाइज करे उस बात को कि ईर्ष्या कब करता है और किस बात से करता है। कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करे तो किस बात को लेकर करे? मेरे भाग्य से करेगा, मेरे जीवन में जो प्राप्ति है उससे करेगा, राइट? ईर्ष्या तो उसी से होती है कि जिसको हम समझते हैं कि अपने से बहुत आगे हैं और कम मेहनत में इतना आगे चला गया, तभी ईर्ष्या होती है। तो कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करता है या मेरे भाग्य को देख करके, मेरी प्राप्तियों को देख करके ईर्ष्या करता है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। कर्म से भाग्य बनता है। जो कर्म मैंने किए उस कर्म के फल स्वरूप मुझे वो भाग्य प्राप्त हुआ। तो जो भाग्य मैंने कर्म की शक्ति से प्राप्त किया है, क्या किसी के उल्टा सीधा बोलने से वो भाग्य नष्ट हो सकता है? वो भाग्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म मैंने अपने हाथों से किया उसके फल स्वरूप मैंने वो भाग्य को प्राप्त किया। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति जब भगवान में नहीं है तो इंसान में क्या होगी? उस भाग्य को नष्ट करने की अगर ताकत है किसी के पास तो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने श्रेष्ठ कर्म से भाग्य को अर्जित किया है, किसी के उल्टे सीधे बोलने से, ईर्ष्या करने से क्या मेरा भाग्य समाप्त हो जाएगा? लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे बहन जी, फर्क तो पड़ता है। आज वो व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है मेरे बारे में, लोग तो सच मान लेते हैं ना, लोग तो मुझे इस नजर से देखने लगते हैं, जरूर उसने कुछ किया होगा, तो फर्क तो पड़ता ही है। फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे नहीं बहन जी, थोड़ा तो फर्क पड़ता है और हम देखते हैं हमारे भाग्य में कुछ परिवर्तन होने लगता है। वो परिवर्तन क्यों होता है? वो परिवर्तन इसलिए होता है, उसके बोलने से नहीं होता है, लेकिन उसने जिसके सामने बोला कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, कुछ ग्लानी किया ईर्ष्यावश, तो वो जिसके सामने बोला वो व्यक्ति आकर मुझे सुनाता है, अरे फलाना व्यक्ति तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, और हमें गर्म करने का प्रयत्न करता है और हम उबलने लगते हैं एकदम। अच्छा, देख लेंगे उसको हम भी, है ना? अब उसके बाद जो मैं नकारात्मक सोचती हूं या नकारात्मक कर्म मेरा होता है उसको लेकर के वो उस भाग्य को लकीर लगाता है। इसीलिए अगर कोई ईर्ष्यावश कुछ बोलता है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कर्म मेरे भाग्य में अंतर जरूर लाएगा। उस समय द्वंद्व में आने के बजाय हम अंदर से यही सोचे उसके प्रति कि हे प्रभु, उसको भी वो सब प्राप्त हो जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसके लिए उसको भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जरूर प्राप्त हो। ये शुभ भावना, शुभ कामना,
ये और भी हमारे भाग्य को निखार ले आती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहता, ईर्ष्या से परे, द्वंद्व से अतीत, सफलता असफलता में समान रहो। न सफलता में घमंड आ जाए, न असफलता में हम डिप्रेस्ड हो जाए, अवसाद में आ जाए, समान भाव। अगर असफलता किसी बात को लेकर प्राप्त भी हुई तो सोच लो ये भी एक सीढ़ी है, कुछ सीखने को मिला आगे बढ़ने के लिए। तब समान भाव हम रख सकते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते, संग दोष की आसक्ति से रहित रहो, क्योंकि ये संग दोष ही कई बार हमारे मन को अनेक प्रकार के विचार दे करके चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उसको दोष माना गया है कि जो आकर के आपको इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, ये दोष है जो दोष हमारे ऊपर लगता है। फिर भगवान कहते, अभिमान से मुक्त। अभिमान कैसे आता है? अभिमान शब्द को अगर अलग करें, अभिमान, बड़ों का अभिमान क्या है? बड़ों का अभिमान यही है, ये व्यक्ति अभी हमारी बात माने, मान लिया तो हमारा ईगो सेटिस्फाइड, और नहीं माना तो हर्ट होता है। किसको हर्ट हुआ? किसी को मैंने कोई सलाह दी, उसने नहीं माना, मुझे हर्ट फील हुआ। ये हर्ट किसको हुआ? ईगो को हर्ट हुआ। तो बड़ों का अभिमान हमेशा यही रहते हैं कि छोटे अभी हमारी बात माने, मान लिया तो हमारा कॉलर टाइट, नहीं माना तो अपमान महसूस हुआ। अपमान वही महसूस होता है जहां अभिमान होता है। बिना अभिमान के अपमान की महसूसता नहीं होती है। तो अभिमान है या अपमान है, इसीलिए उन सब दोनों से ऊपर रहो। और छोटों का अभिमान क्या होता है? अभी मान मिले तो माने, अभी मान मिले, अप्रिसिएशन मिले तो माने उसकी बात। इतना हमने किया, उसने कभी एप्रिसिएशन के दो शब्द कहे? एप्रिशिएट तो करना नहीं है और अपनी बातें मनवाते रहना है, कभी एप्रिशिएट भी तो करे। यहां अभिमान का टकराव होता है। और इसीलिए बड़ों की कंप्लेन यही रहती है छोटों के प्रति, ये हमारी कभी बात मानता ही नहीं है। और छोटे क्या कहते हैं? मान मिले तो माने, कभी मान दिया हमें भी, कुछ समझते भी हैं हमें, इतना हम कर रहे हैं, कभी हमें एप्रिसिएशन के दो शब्द भी कहे उसने। अब यहां टकराव होता है, और जब यहां टकराव होता है तो परिवार टूटता है, संबंध टूटते हैं, चाहे भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, वहीं तो संबंध टूटता है। आज अक्सर दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कई माताओं की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी बहुएं हमारा कहना मानती नहीं है। और बहुओं की शिकायत क्या रहती है? हमारी सास कभी हमें एप्रिसिएशन के दो शब्द नहीं कहती है, इतना जो किया कभी अप्रिशिएट भी तो करें। अब यहां ये अभिमान का टकराव होता है, और जब ऐसे अभिमान का टकराव होता है तो परिवार तो टूटना ही है। एक हंसी की बात याद आती है। एक बार एक शहर में
हस्बैंड वाइफ रहते थे, वाइफ बड़ी पतिव्रता थी, जब भी पति आते काम से तो तुरंत दरवाज़ा खोल करके उसके हाथ से सामान ले करके उनको पानी आदि दे करके चाय सब कुछ रेडी रखते हुए सब ठीक देती थी। एक दिन जब पति घर में आता है, देखता है दरवाज़ा खुला है और पत्नी टीवी देख रही है, आई नहीं सामने लेने के लिए हाथ में से चीज़ें, पति ने सोचा होगा कोई उसकी कोई सीरियल चल रही होगी, चलो ठीक है मैं ही खुद पानी ले लेता हूँ। जब नहीं आई तो उसने पूछा क्या बात है, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पति ने सोचा मैं खुद ही जाकर पानी पी लेता हूँ, किचन में जाकर देखता है तो सारा किचन इतना गंदा है, रात के बर्तन भी धोए हुए नहीं है और एक बर्तन नहीं है पानी पीने के लिए भी। फिर बाहर आकर पूछता है क्या बात है, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। पति ने खुद ही एक ग्लास धुलाई करके पानी लेकर पी लिया, उसके बाद सोचा फ्रेश हो जाता हूँ, कमरे में गया तो देखा कमरा भी इतना फैला हुआ पड़ा है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और रात का बिस्तर भी बना हुआ नहीं है, इतना गंदा कि वो फिर आकर के बाहर पूछता है आखिर बात क्या है। तब पत्नी ने कहा आप रोज शाम को आकर के मुझे एक ही बात कहते हैं कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया। हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है, सारा कुछ करने के बाद भी अगर यही सुनने को मिला कि तुम करती क्या है, तुम सारा दिन करती क्या है, कहा आज मैंने कुछ नहीं किया, आज आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है अगर पारिवारिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करके देखो और ही बहुत अच्छी तरह से आपका गृहस्थ जीवन चलेगा। अरे घर में एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी एप्रिसिएशन चाहता है। एक छोटे बच्चे को भी माँ जब कहती है कोई काम कर रही होती है और कहती है देख तेरा डैडी आए एक ग्लास पानी ले जा उनके लिए, वो बच्चा अपना होमवर्क छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके पानी ले करके जाता है और पिता अपने टेंशन में है, थैंक यू बेटा नहीं कहा उसको, एप्रिसिएशन नहीं दिया, वो देखता रहता है अपने पिता को पानी दिया मैंने और थैंक यू तक नहीं कहा। और हमें अगर कोई चॉकलेट भी देता है तो हमें बार बार कह थैंक यू कहो बेटा, थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। और जब मैंने पानी का ग्लास दिया और थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उसका पिता घर में आता है और माँ कहती है बेटा एक ग्लास पानी ले जा, तो क्या कहेगा, मैं बिजी हूँ आप ही दे दो, कहेगा कि नहीं कहेगा, महसूस किया है कि नहीं किया है। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप ये कह देते हैं थैंक यू बेटा, और जैसे ही थैंक यू बेटा कहा दूसरे दिन उसकी माँ को कहना नहीं पड़ता है बेटा पानी ले जा, जैसे ही पिता घर में आ दौड़ता है पानी ले करके जाता है। एप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। और इसीलिए जब एप्रिसिएशन के दो शब्द किसी को मिल जाते हैं सुनने के लिए, उसके बाद उसका एटीट्यूड देखो आपके तरफ किस तरह का हो जाता है, उसका विश्वास उसकी श्रद्धा किस तरह से आपके प्रति बढ़ जाती है। तो अभिमान से मुक्त, अभिमान से मुक्त रहने के लिए एप्रिसिएशन बहुत सुंदर सहज और सरल विधि है। कारोबार हो या गृहस्थ जीवन हो, बहुत सुंदर वो गृहस्थ जीवन चलने लगेगा, कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे,
appreciation, वो जादू का काम करता है. और भगवान अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि अभिमान से मुक्त जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, यानी नॉलेज को, समझदारी को इनकल्केट किया हुआ है, वो अंदर से तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं. और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला वो अपना आत्मशुद्धिकरण का कर्म करता है. दूसरों को अप्रिशिएट कर लिया, मोटिवेशन के दो शब्द कह दिए, तो जरूर है उससे हमें भी प्रसन्नता होती है, हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उससे हमारा जीवन रूपी यज्ञ बहुत शुद्ध निर्मल हो जाता है. किसी को अच्छी बात अगर कही, अप्रिसिएशन के दो शब्द कहे, उससे हम छोटे थोड़ी हो जाते हैं, और ही उसकी नज़रों में हम बड़े हो जाते हैं. तो मान देने से मान स्वतः मिलता है, ये रहस्य है जीवन का, कि मान देने से मान कम नहीं होता है, स्वतः मान मिलने लगता है. और ऐसा व्यक्ति के पूर्व विकर्म, अगर विकृत कर्म हुए भी है, तो ये समझदारी अपनाने से वो छोटे भी इज्जत करने लगते हैं, सोचते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति हमेशा हमें सम्मान ही देता है, ये कभी भी ऐसा नहीं. तो विकर्म, जो अगर कोई गलतियां हो गई होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, साफ हो जाता है, वो इमेज, वो इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है. कितनी सुंदर बात समझदारी की. इसीलिए कहा, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिमान योगी है. बुद्धिमान है वही योगी है. योगी माना कोई 10 घंटा बैठ करके ध्यान लगाने वाले को योगी नहीं कहा. योगी माना जिसने विजडम को प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, वो योगी है. बिना विजडम को अप्लाई किए मैच्योरिटी नहीं आती है, और जब तक ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जीवन के अंदर नहीं है, तो योगी ही कहाँ है वो. आज मैं 10 घंटा अगर बैठकर ध्यान में, साधना में लगाऊं, और उसके बाद उठकर मेरा व्यवहार दूसरे के साथ ठीक नहीं है, अगर मैं किसी को एप्रिसिएशन के दो शब्द नहीं कह पाती हूं, तो कौन कहेगा कि मैंने साधना किया. वो यही समझेगा, ये साधना में भी शायद यही बातें सोचते रहते हैं क्या. वो एक बार एक मंत्री जी से मिलने गए, जब मिलने गए तो हमें बताया कि भाई वो अभी पूजा में है, और 1 घंटा जरूर लगता है पूजा करने में, 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे. मैंने कहा ठीक है, हो करके हम आते हैं. जब हो करके वापस आए तो मंत्री जी मिले, तो बड़ा अंदर में ये आया कि मंत्री जी 1 घंटे तक पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कलयुग के अंदर भी 1 घंटा पूजा करना. तो मंत्री जी को अप्रिशिएट किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कलयुग में आप जैसे बिजी व्यक्ति को भी 1 घंटा मिलता है पूजा करने के लिए, इतनी भगवान के प्रति आस्था है आपकी, ये जानकर बड़ी खुशी हुई. मंत्री जी ने कहा, रहे कहाँ पूजा करते हैं, यही तो टाइम मिलता है सारे दिन का प्लानिंग करने का, बाकी तो लोग छोड़ते ही नहीं, तो हम प्लानिंग कब करें अपना. तो ये पूजा तो एक बहाना है, वहाँ बैठकर सारे दिन की प्लानिंग हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. आज दुनिया के अंदर पूजा का ये स्वरूप हो गया कि वहाँ बैठते हैं ताकि प्लानिंग हो जाती है. वहाँ आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण थोड़ी बैठ रहे हैं, कहा नहीं तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं, तो प्लानिंग कब करें हम अपने अपने दिनचर्या का, है ना. तो पूजा ही एक वो सुरक्षित स्थान है कि जहां लोग डिस्टर्ब नहीं करते, भाई पूजा में है, पूजा में है. तो आज पूजा को भी किस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन के अंदर, सोचने की बात है. तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है. फिर अर्जुन का जो प्रश्न है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है,
तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्व यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये 3 दिन क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा संसार सागर को पार कर जाती। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह से मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उसी से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनने लगती है। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। महान पाप आत्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। कैसे? बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव में सत्संग चल रहा था और महात्मा जी सत्संग चला रहे थे। बहुत सुंदर सत्संग चलता था, लोग बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। तो जब महात्मा जी ये सत्संग चलाते थे तो उस गांव में एक चोर था। उस चोर ने सोचा अब 2 घंटे महात्मा जी का प्रवचन सब सुनने के लिए तो बैठे रहेंगे, कोई हिलने वाला नहीं है वहां से, ये अवसर बहुत अच्छा है चोरी करने का, तो आज अच्छी चोरी कर लेते हैं। वो चोर निकला चोरी करने के लिए, किसके घर में चोरी करूं? तो सोचा देख लेता हूं किसका परिवार पूरा बैठा है सत्संग में। जिसका पूरा परिवार बैठा होगा तो उसी घर चोरी करना आसान होगा। तो देखा एक सेठ जी का परिवार, पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो सोचा आज यही सेठ जी के घर में चोरी करने जाता हूं। जैसे ही वहां से निकला तो उस समय महात्मा जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। अब उसको कोई मतलब नहीं था देवदूतों की परछाई हो या ना हो, चला वो तो चोरी करने के लिए। और चोरी करके अच्छा माल उसने हाथ कर लिया और वहां से समेट करके जैसे ही अपने घर के तरफ जा रहा था, रास्ते में एक दूसरे चोर ने देखा, अच्छा इसने तो अच्छा हाथ मार लिया आज, और मुझे बिना मेहनत के ये सारा मिल जाए, ऐसी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसके पीछे गया तो देखा कहां जाकर छुपाता है, तो देखा ये तो घर में ले गया और घर में जा करके रख दिया। तो घर में रख दिया, अब घर में से निकलवाने के लिए कुछ तो तरकीब चलानी पड़ेगी। तो उसने सारा मेकअप करके देवदूत का वेश धारण किया और एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर बैठा हुआ था अपने झोपड़े के, वहां खड़ा हो गया और कहा, आज जो तूने एक भक्त के घर में चोरी की है, भगवान ने उस चीज को देखा है और मुझे भेजा है। मैं देवदूत हूं और तुम अगर ये सब समर्पण कर दो तो तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब चोर है तो क्या हुआ, भगवान का डर किसको न लगे। उसने सोचा इतना जल्दी भगवान ने देवदूत भी भेज दिया, अब तो दे ही देना पड़ेगा, शायद सत्य होगा कि चोरी करके आए और भगवान ने देखा ही होगा, तभी देवदूत को इतना जल्दी मेरे पीछे भेज दिया। तो अंदर गया माल लेने के लिए कि समर्पण कर दूं सारा माल, और अंदर जाकर के जब उस कमरे की लाइट जलाई और खिड़की से उसका ध्यान गया तो लाइट के कारण वो देवदूत की परछाई दिखाई दी। उसको याद आया कि महात्मा जी अपने प्रवचन में तो कह रहे थे देवदूतों की परछाई नहीं होती है। वो अंडर से बड़ा डंडा उठा करके लाया और कहा, आज महात्मा जी के प्रवचन में मैंने सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है, तुम अगर सचमुच का देवदूत होता तो ये परछाई नहीं होती थी, लेकिन तेरी इतनी लंबी परछाई सिद्ध करता है कि तुम देवदूत नहीं, कोई फ्रॉड है। वो देवदूत भाग निकला वहां से जान बचा करके,
और वो शांति से बैठ गया. चोर की पत्नी ये सारा कुछ देख रही थी. चोर की पत्नी ने कहा उस चोर से, एक वाक्य सुन लिया आपने महात्मा जी का, और एक वाक्य सुनने से जो चोरी का माल था वो बचा लिया आपने. अगर सारा प्रवचन सुनते थे तो शायद जीवन का अनमोल खजाना आप बचा सकते थे. और वो बात ऐसी उसको हिट कर गई, पत्नी की बात इतनी जोर की उसको लगी उसके हृदय को कि उसने सोचा सही बात है. और बस उसी दिन संकल्प कर लिया और वो चोरी का माल ले जा करके वो सेठ जी के दरवाजे पर छोड़ दिया. और उसके बाद रोज प्रवचन सुनने लगा. कहने का भावार्थ, हृदय परिवर्तन जो होता है व्यक्ति का, सत्संग या ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान वो अग्नि है, ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो परिपक्व व्यक्ति को बना देता कि जो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता. इसलिए कहा महान पाप आत्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है. दुनिया में कई भक्त शिरोमणि हो गए, सुरदास जी शिरोमणि हो गए, कई भक्त शिरोमणि हो गए. कब? कब? जब ज्ञानाग्नि के संपर्क में आए और उस ज्ञानाग्नि ने उनके स्वरूप को बदल दिया. इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करती है. और फिर भगवान ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है. तथा ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं. ज्ञान वो शक्ति है जो हमारे जीवन के अंदर इतना परिवर्तन, हमारी मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक पराकाष्ठा को प्राप्त करने की शक्ति हमें प्रदान करती है. लेकिन आज की दुनिया में किसी को भी अगर कहा जाए ज्ञान सुनो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है. टाइम कहाँ जाता है? कभी सोचा टाइम कहाँ जाता है? टाइम कहाँ जाता है? एक बार एक व्यक्ति था, नौजवान था, नौकरी ढूंढ रहा था. कई जगह गया नौकरी ढूंढने के लिए, हर कोई यही कह देता था कोई काम नहीं, कोई काम नहीं. बड़ा उदास हो गया कि अब जीवन में मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा. आखिर किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चला जा, वो जरूर तेरे को कोई ना कोई काम दे देगा. बड़ी आशा के साथ वो सेठ जी के पास आया. सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था. सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा रे मैं इतना शक्तिशाली हूँ, कोई भी काम करूँगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा. कहा ठीक है. सेठ जी ने कहा कुछ लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा. सेठ जी उसको पीछे गोदाम में ले गए. बड़ा लकड़े का ढेर था. कहा ये सारे लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? बोले हाँ काटूंगा. उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दिया, कहा काटो. वो शुरू हो गया काटना. दिन के अंत में सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया. चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उस लड़के ने 25 लकड़े काटे थे. सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की. रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा और शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का. कहा ठीक है. बड़ा खुश हो गया वो भी. रोज जाता रहा लकड़ा काटने के लिए. 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का आखिर कर क्या रहा.
शाम को जैसे ही चक्कर लगाए तो देखा सारे दिन में उसने 15 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा, क्या बात है भाई, पहले दिन तो तू 25 लकड़े काट दिए और आज 15 लकड़े तक पहुंच गए, क्या बात है? वो लड़के ने कहा, सेठ जी मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, लकड़े कम क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं आलस नहीं करता हूं, मैं बैठता भी नहीं हूं, मैं सारा दिन काम कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लो, लेकिन लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा, थोड़ी और मेहनत करो। कहा, ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। दूसरे दिन से और जोर लगाने लगा। फिर 10 दिन बीते, सेठ जी ने सोचा, देखे तो सही ये लड़का क्या काम कर रहा है। जब शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा, भाई क्या बात है तेरी, ये एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है, पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कम हुई 15 लकड़े तक आए और आज 10 ही लकड़े तक पहुंच गया, आखिर बात क्या है? लड़का कहता है, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी अनुभवी थे, सेठ जी ने कहा, एक बात बताओ कि तूने ये 20 दिन के अंदर कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़का कहता है, सेठ जी टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहां है धार तेज करने का? कहीं हमारी हालत भी यही तो नहीं है? हाँ, दिन प्रतिदिन एफिशिएंसी कम हो रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, अनेक रिश्तों में गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, बुद्धि की धार को तेज करने के लिए कहो तो कहते टाइम नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्मिकता, ये हमारी, ये ज्ञान जो है ये बुद्धि की धार को तेज करता है, ये विजडम यही काम करता है कि धार को तीव्र करता है, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, टेंशन रहित होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? अगर फायदा है तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे हमारी बैटरी चार्ज होती हो और धार तीव्र होती हो तो जिससे हमारा आउटपुट जीवन के अंदर बिना स्ट्रेस के अगर अधिक होता हो तो, और अच्छा होता, क्वालिटेटिव आउटपुट होता है, तो धार तेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हमारा सारा समय किस में जा रहा है? चीजों को संवारने में जा रहा है या अपने रिश्तों को संवारने में जा रहा है? लेकिन बिना धार तेज किए कितना भी संवारने का प्रयत्न करो वो संवरता नहीं है, लेकिन धार तेज करके देखो तो बहुत कुछ संवर जाता है। ये ज्ञानाग्नि है कि जो हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को ले आता है, धार ऐसी तेज करता है जो संबंध बहुत सुंदर बनने लगता, कार्य क्षमता हमारी बढ़ जाती है, कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है, कम समय के अंदर टेंशन रहित होने कारण अच्छा आउटपुट होता है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो टाइम मिलेगा या निकालना पड़ेगा? मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। आज एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, भाई हार्ट अटैक आया है, क्या करना चाहिए? और डॉक्टर ने उसको कहा, देखो ये फर्स्ट अटैक है तुम्हें, और इसीलिए अब अगर स्वस्थ रहना है ताकि दूसरा अटैक ना आए, तो रोज सुबह आधा घंटा पैदल करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा, तुम कम से कम आधा आधा घंटा सुबह शाम मिलके करो तो भी स्वस्थ रहेगा, दूसरा अटैक नहीं आएगा इतना जल्दी। अगर वो व्यक्ति कहे, डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम मिलना मुश्किल है,
सारा कारोबार मेरा सुबह सुबह चालू हो जाता है और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो पैदल जाएंगे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब यही कहेंगे फिर मरो. इफ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, नो बडी कैन हेल्प यू. अगर उसको जीना है तो थोड़ा दिनचर्या को रीशेड्यूलिंग करेगा. सुबह आधा घंटा जल्दी उठेगा, जाएगा पैदल जाएगा. कारोबार कोई भी रुकती नहीं है, कारोबार कोई भी रुकती नहीं है. लोग फोन करेंगे लेकिन जैसे ही लोगों को पता चले ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में करेंगे. कारोबार कोई भी रुकती है, कारोबार कोई भी रुकती नहीं. ये तो बहाना है कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है. इसी तरह अगर बुद्धि की धार को तेज करने की है, अपनी कार्य क्षमता को ज्यादा अधिक करना है विदाउट स्ट्रेस, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा. उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो टाइम निकल आता है. थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग करना पड़ता है, सहज हो जाता है. तो इसीलिए टाइम अपने आप में तो मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा. आपको कई बार बहनों ने भाइयों ने कहा होगा चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू. हर बार क्या कहा, अरे बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो पहुंच जाएंगे. टाइम निकला तो पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके? अगर वैसे कई बहाने मल जाते थे, कई लोग और भी आने वाले थे आपके साथ, कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, अर्जेंट काम आ गया. और आप किसी और की टिकट पर भी आए होंगे, टाइम निकल आया आपके पास में, पहुंच गए, है ना? तो टाइम निकालना नहीं निकालना ये अपने हाथ में होता है. और इसीलिए अगर बुद्धि की धार को तेज करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा. खाली यहां तक नहीं, नहीं तो भगवान अर्जुन को जैसे कहते विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है और परम सुख की अनुभूति से वंचित हो जाती है. इसीलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर. टाइम नहीं मिलता, ये संशय ये सबसे बड़ा अज्ञान है. तो अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर. कैसे नाश करना है? ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से. ये तलवार की धार जब तेज हो जाती है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है. और समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे. कितनी सुंदर तरीके से ज्ञान का महत्व जीवन के अंदर, आध्यात्मिकता का महत्व भगवान अर्जुन को समझाते हैं. और फिर पांचवें अध्याय में संन्यास योग की बात समझाते हैं और कहा ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारा कर्म करता है किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है, आनंद की अनुभूति करता है. प्रथम श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग में निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताया. सातवें श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग के लक्षण और उसकी महिमा बताई है. तेरहवें श्लोक से लेकर छब्बीसवें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय लिया गया है और सत्ताईसवें श्लोक से लेकर उनतीसवें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग की का वर्णन किया गया है, महिमा बताई गई है. अब अर्जुन का पुनः सारे अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है. आप देखते रहेंगे कर्म योग की बात,
फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये ज्ञान सुनने के लिए तो मुझे सब जैसे छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ये संन्यास तो नहीं है। और इसीलिए उसका सवाल उठता है और भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है यानी कर्म योग श्रेष्ठ है या संन्यास योग श्रेष्ठ है? सब कुछ छोड़ दूं तभी मैं सही रूप में कर्म योगी बन सकूं? ये संभव है? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, छोड़ना या कर्म योगी बनना? ये सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो सकता है। भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हुए कहा, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सन्यासी ही जानने योग्य है। सन्यास किस चीज का करना है? चीज वस्तुओं का, कर्तव्य का, जिम्मेवारी का नहीं करना है। सन्यास करना है बुरी आदतों का, सन्यास करना है बुराइयों का, द्वेष का, सन्यास करना है कर्म फल की चाहना का। फल की चाहना वो तो है ही जुड़ा हुआ, तुम अच्छे कर्म करते चलो। इसीलिए कहा वो व्यक्ति सन्यासी ही जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है। बड़ी स्पष्ट लैंग्वेज में भगवान कहते कि मनुष्य को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है, द एटीट्यूड। एटीट्यूड ये बहुत बड़ा मायना है। इसलिए कहावत है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत के व्यक्ति की उस कर्म करने के पीछे नियत क्या है? द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य जिम्मेवारी गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसमें जो रहा हुआ आसक्ति है, बुराइयां है, उसका त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को संन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं देते। जब ये बात हम सुनाते हैं तो कई लोग हमसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी फिर आप लोग ने संन्यास क्यों किया? हमने संन्यास नहीं किया है, हम आपसे बड़े गृहस्थी है। कैसे? देखो आप हमारे कोई भी सेंटर को देखेंगे ना, शहर के बीच में होगा। हमारी बहनें, जो भी भाई बहनें वहां होते हैं, सभी त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, है ना? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी बात होगी, आप सबको निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं? तो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, कौन कहता है हम सन्यासी है? देखो जब माँ बाप अपने लड़की के लिए घर और वर ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आज की दुनिया के अंदर घर और वर जब ढूंढते हैं लड़की के लिए तो यही देखते हैं कि भाई छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही देखते हैं ना। बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की नाजुक है, सबका मन नहीं संभाल सकती, इसलिए अगर मियाँ बीवी अकेले रहने वाले हैं तो और अच्छा, झंझट ही समाप्त, है ना? यही ढूंढते हैं माँ बाप अपने लड़की के लिए। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास था कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और सबका मन संभाल सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। ईश्वर का परिवार हमारा परिवार, तो एक बड़े गृहस्थ में आए। आप लोग एक छोटे गृहस्थ को चुनते हैं, हम लोग ने बड़े गृहस्थ को चुना है कि ईश्वर का परिवार हमारा परिवार, और इतना जरूर है कि हम सबका मन संभाल सकेंगे, ये विश्वास हमें है कि नहीं?
देखो दुनिया के अंदर आप लोगों को अपने गृहस्थ में चार लोगों का मन संभालना होता है, बच्चों का, माँ बाप का, सास ससुर का, पति का, कितना टेंशन रहता है। और अगर मान लो कि आपके घर में, चलो आप और अपने बच्चे, छोटा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन चार मेहमान आ जाए या दस मेहमान आ जाए, और वो भी दस दिन रहने वाले हो, और उन्हीं दिनों में अगर काम वाली चली जाए, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? किसको होता है? लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है, कि अब मेरी पत्नी को इन सब का करना पड़ेगा, इसका मूड संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मूड नहीं संभाला तो कुछ भी नहीं होना है फिर। तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? जेंट्स को होता है ना, आगे पीछे घूमते रहते हैं कि इसका मूड ठीक रहना चाहिए, है ना? ये काम ज्यादा हो गया, वो भी समझता है, और सबके सामने वो हेल्प नहीं कर सकता है। नहीं होता है तो हेल्प भी कर ले, लेकिन नहीं कर सकता है तो आगे पीछे घूमता रहेगा। और अगर मानो उस समय बच्चों ने आकर के कुछ तूफान मचाना चालू किया और पत्नी को गुस्सा आ गया और दो थप्पड़ मार दी बच्चों को, मेहमानों ने पूछा क्या बात है, हमारे कारण कुछ हुआ क्या? तो पति क्या, नहीं नहीं आपके, ये बच्चे है ही ऐसे ना, तूफान इतना मचाते हैं। कितना ढकने का प्रयत्न करता है अपनी वाइफ का, है ना? ये साथी का काम है। लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है, जो हमारे पास रोज मेहमान आते रहते हैं, यहाँ माउंट आबू में हर रोज एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप, अभी आप लोग जाएंगे, दूसरा ग्रुप आएगा, हर हफ्ते प्रोग्राम है ही है, 500-600, आपको खाली 10 लोगों को संभालना टेंशन हो जाता है, यहाँ हर हफ्ते 500-600, 500-600, 700-800 हो जाते हैं, और घर वाले मिलाकर के 1000 का रोज का खाना बनता ही है। लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन देखा आपने? देखा आपने? कुछ गलतियां हो गई हो, आपकी सेवा में कोई कमी आई हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अरे कमी कहीं ना कहीं तो होती, इंसान जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही है, लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है कि उस वक्त आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। इतना अच्छा साथी कभी गुस्सा नहीं करता है हमारे ऊपर, और सारा कारोबार वो संभाल लेता है, सारा टेंशन वो संभाल लेता है। ऐसा साथी मिलेगा? इसलिए कि हमारा साथी बहुत अच्छा है। हम बड़े गृहस्थ में इसीलिए आए कि हमें संभालने की जरूरत, वो संभाल लेता है सब कुछ। तो फिर कई बार कई लोग हमसे क्या कहते हैं, अरे बहन जी फिर ये सफेद कपड़े क्यों पहने आपने, रंगीन कपड़े पहनो, बड़े गृहस्थ में तो रंगीन कपड़े पहनो। मैं बहनों से पूछती हूँ कि अगर आपके साथी को जैसे कपड़े पसंद होते वैसे ही पहनेंगे या दूसरा पहनेंगे? अगर आपके साथी को साड़ी पसंद है तो आप ड्रेस पहनने की हिम्मत आपकी लाइक होते हुए भी करेंगे? नहीं। आपका पति अगर, आपका साथी अगर छुट्टी देता है तो आप ड्रेस भी पहनेंगे, सब पहनेंगे, लेकिन अगर साथी को पसंद नहीं तो नहीं पहनते हैं। हमारे साथी को सफेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसकी पसंद हमारी पसंद। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं सीक्रेट, ये सफेद कपड़े में कई झंझटे से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहली झंझट मैचिंग की झंझट मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो मैचिंग में इतना टाइम लगाती है महिलाएं, ये पहने वो पहने, एक करे वो कितना मैचिंग का आपको सोचना पड़ता, कितना टाइम जाता है उसमें। और इतना ही नहीं, लेकिन मान लो कि कोई डिजाइनर ड्रेस आप लेके आए और एक पार्टी है और वहां पहन करके गए, इतना महंगा ड्रेस खरीदा अपनी पसंद से और वहां गए और देखते रहते कोई कॉम्प्लीमेंट तो करे, और अगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो पूछते हैं फिर सामने से, कैसा लग रहा है, अच्छा है? और सामने वाले ने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, डिजाइनर लगता है। हाँ डिजाइनर है, बहुत महंगा है।
कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है लेकिन कलर दूसरा नहीं था क्या, ये कलर आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। बस उसके बाद देखो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है, कब घर जाएं, कब इसको उतारें और दूसरी बार पहनते नहीं है। माना दूसरे के ओपिनियन पर हमारा जीवन चलता है। अब हम सफेद ड्रेस में होते हैं, हमें किसी को पूछना ही नहीं कि कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथी को पसंद है ना, हम उसमें बहुत खुश है ना। और सफेद रंग में सातों रंग समाये हुए हैं, है ना, सातों रंग उसमें समाये हुए हैं। आज आपको कहीं भी जाना, हमारा सबसे सहज तरीका सफेद ड्रेस पहना, न मैचिंग का झंझट, न उसके हिसाब से कोई मेकअप का झंझट। आप लोगों को जैसा कपड़े पहने फिर वैसी लिपा पोती करनी पड़ती है, और वो लिपा पोती में कितना टाइम जाता है, हमारा कितना टाइम बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है। तो हम सन्यासी कहाँ हैं, हम बड़े गृहस्थी है, आपसे भी बड़े गृहस्थी है, और अपने टाइम को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारा साथी इतना अच्छा है, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें निश्चिंत रखता है कि कुछ भी उलट पुलट अगर हो भी गया तो वो संभाल लेता है, क्योंकि वो सबकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है जो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, है ना। बाकी इंसान जहाँ है कुछ तो ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन आपने 3 दिन के अंदर कुछ देखा? हर कोई जो भी आता है कहेंगे अरे ऐसा लगता है कौन कर रहा है पता नहीं, आप लोगों को भी देखते हैं सब घूमते रहते हैं लेकिन कैसे ये काम होता है पता ही नहीं चल रहा है। यही तो मैजिक है यहाँ का, यही तो मैजिक है कि सब कुछ इतना सुव्यवस्थित हो जाने के बाद भी यही पता चलता है, किसी के चेहरे पर आप देखो कोई टेंशन की रेखा नहीं, और सब कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जिसके पास भी आप खड़े हो जाओ, वो आपको ज्ञान की 2 बातें जरूर सुनाएगा। सोचते हैं कई लोग, अरे भाई जो व्यक्ति काम करता हो वो ज्ञान कैसे सुना सकेगा? नहीं, लेकिन वो भी आपको, एक लिफ्ट मैन भी ज्ञान जरूर सुनाएगा, एक माली भी आपको ज्ञान जरूर सुनाएगा, मकान जहाँ रहते हैं वहाँ पर मकान संभालने वाले केयरटेकर भी आपको ज्ञान की 2 बातें, उसके साथ खड़े हो जाओ वो भी ज्ञान को जरूर सुनाएगा। और इसीलिए कहा कि ये ज्ञान की ही कमाल है, जो कर्म में अप्लाई हुआ है और कर्म में अप्लाई होने के बाद संन्यास जो किया है वो बुरी वृत्तियों का संन्यास जरूर किया हुआ है। नहीं तो आप सोचो, 2 जवान बेटे को घर में संभालना माँ बाप को कितना स्ट्रेस हो जाता है। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे अपने यूथ एज में है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो एक नूर है वो नूर किस चीज का है, कि जो पवित्रता को उन्होंने जीवन के अंदर अपनाया है उसका नूर टपकता है। तो इतनी ऊंची बात जो शिक्षाएं, क्योंकि हर एक ने अपना रिश्ता उसके साथ ऐसा जोड़ा हुआ है, तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, शहरों में ही रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों को भी हर फंक्शन पर इनवाइट करते रहते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और बहुत खुश है। किसी के चेहरे पर अपने असंतुष्टता की रेखा देखी? असंतुष्टता की रेखा नहीं है, और ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल अंदर से है। तो इसीलिए सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यास बुरी वृत्तियों का किया है, चीज वस्तुओं का नहीं। आज अगर मैं चीज वस्तुओं का सन्यास करके सारी कुर्सियां निकाल कर आपको नीचे बैठने के लिए कहूँ, अब जिसको आदत नहीं नीचे बैठने की, घुटना दर्द करने लगेगा, ये 2 घंटा अच्छी तरह से प्रवचन सुनने की ताकत होगी नीचे बैठ के? 15-20 मिनट आधा घंटा सुन लेंगे फिर सोचेंगे अरे कब ये पूरा हो, कब ये पूरा हो। लेकिन
आराम से बैठो, क्योंकि आज के जीवन शैली अगर ऐसी हो गई है, अगर नीचे बैठाया तो आप जो लेना चाहिए जीवन के अंदर वो ले नहीं सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं आराम से बैठो, ये चीज वस्तु खराब नहीं है, उस पर बैठो, यूज करो। तो आप अच्छी तरह से उन ज्ञान की बातों का आनंद ले सकते हैं और उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए चीज वस्तुओं का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्ति उसमें जो आसक्ति है उसका संन्यास जरूर करो। सब कुछ मेरा है, उसका ध्यान रखना, उसका संभालना है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति है। तो इसीलिए संन्यास योग को कर्म योग में शामिल कर लो, ये भगवान कहते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, कर्म योग के बिना संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को ही देखते हुए उसका मन वश में होता है, ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए स्वयं को उससे भिन्न समझता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए कर्म बंधन से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है। और वह पुरुष नौ द्वार वाले देह में रहते हुए मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त कर परम शांति और सुख का अनुभव करता है। जीवन में रहते हुए निर्लिप्त जीवन, कहने का भावार्थ यही है कि जीवन में रहते हुए उसके बंधनों से मुक्त जीवन। राजा जनक की बात याद आती है कि राजा जनक को हमेशा कहा जाता जीवन मुक्त स्थिति में रहता था, राजभाग में था, राज्य भाग्य था, लेकिन राजभाग में रहते हुए भी निर्लिप्त। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने कहा कि मुझे कोई जीवन मुक्ति का ज्ञान एक सेकंड में दे। काफी लोग आए उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन राजा जनक ने कहा मुझे एक सेकंड में और प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। तब कहा जाता कि अष्टावक्र जी आते हैं और अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपको ज्ञान अभी नहीं दूंगा, समय आने पर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई। राजा जनक ने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा सैर करके आता हूं। जैसे ही घोड़ा आया और घोड़े पर चढ़ने गया, एक पैर घोड़े पर था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो? राजा सोच में पड़ गया कि घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं। कहा यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है। कहा कैसे? तो कहा संसार में रहते हुए संसार आप में न हो, ये जीवन मुक्त स्थिति है। संसार में रहो लेकिन उसकी आसक्ति उन बुरी वृत्तियों से अपने आप को निर्लिप्त रखो, यही ज्ञान जीवन मुक्ति का अनुभव, के जीवन में रहते हुए परम आनंद परम सुख का अनुभव कराता है। और तब से लेकर के राजा जनक ने इस विधि को अपनाते हुए राज्य भाग्य में रहता था, भाग्य भी संपूर्ण था, चीज वस्तुओं का त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी जीवन मुक्त निर्लिप्त जीवन था। कहा जाता कि कुछ समय के बाद एक सन्यासी आया उनके पास और कहने लगा कि हे राजा जनक, मैंने सब कुछ सन्यास कर दिया, छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, फिर भी मेरा मन विचलित होता है। मैं कैसे मानूं कि आप इस राज्य भाग्य का अनुभव करने के बाद आपका मन
विचलित नहीं होता है? आपके पास कोई प्रमाण है? राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर सवाल किया, मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं निपट करके आता हूं, फिर हम बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप एक काम करो, आप मेरे महल की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसको देख करके, उसका अवलोकन करके आइए। कहा ठीक है। लेकिन राजा जनक ने कहा उस सन्यासी को कि देखो, वहां पर जिस एरिया में आप जाएंगे सारा कारीगरी को देखने के लिए, अभी वो बन रहा है, लाइट लगी नहीं है, आप एक काम करो, अंधेरा होगा, ये दीपक लेकर के जाइए, और खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं हैं, और हवा की वही दिशा है, ध्यान रहे दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और वो गया सन्यासी सारा महल का अवलोकन करने के लिए, बहुत सुंदर कारीगरी सारी देख करके जब आया, तब तक राजा जनक ने भी अपना सब कारोबार निपटा करके आ गए, और जैसे आए सन्यासी जी भी आ गए। राजा जनक ने पूछा, आपने महल देख लिया? कहाँ देख लिया। कहा कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर कारीगरी थी। राजा जनक ने पूछा, ध्यान कहाँ था? कहा ध्यान तो दीपक पर था, कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, तो कारीगरी को भी देख रहा था, सुंदरता को भी देख रहा था, लेकिन ध्यान दीपक पर था। राजा जनक ने कहा, यही रहस्य है कि इस राज्य भाग्य में रहने के बाद भी मेरा ध्यान उस आत्मरूपी दीपक पर रहता है, कि यह आत्मरूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए। यही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है, यही निर्लिप्त जीवन का आधार है, कि रहना भी उसी में है, सब भोगना भी है, ये नहीं कि भोगना नहीं है, लेकिन फिर भी निर्लिप्त भी रहना है। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा मनुष्यपन में कर्तापन को नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है, और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। मनुष्य की जो प्रकृति है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसकी जैसी प्रकृति, उस प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव उस अनुसार बन गया, उसी अनुसार सब बरतते हैं, बाकी भगवान का रोल कहीं नहीं है। अक्सर मनुष्य यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना संसार में, पत्ता पत्ता जो हिलता है, भगवान की मर्जी से हिलता है, ये हाथ ही उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। अब सोचने की बात ये है कि ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? भगवान की मर्जी ऐसी होती है? पत्ता पत्ता आज अबजो पत्ते होंगे, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाने का काम करेगा? उसके पास और कोई काम नहीं है? आज एक कंपनी में भी आप देखेंगे कि जो चेयरमैन होता है, मालिक होता है, जो चेयरमैन है, लोग कहने में ये कह देते कि ये मालिक की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता इस कंपनी में, लेकिन उस कंपनी के अंदर मालिक के अलावा और भी है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, सब है। कंपनी में कोई दीवार पर अगर खील मारनी है तो मालिक हथौड़ा और खिला लेके नहीं जाएगा उसको मारने के लिए, वर्कर का काम है, हर एक को अपना काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है, वर्कर का काम अपना है, सुपरवाइजरों का काम अपना है, मैनेजरों का काम अपना है, डायरेक्टर का काम अपना है, चेयरमैन का काम अपना है। ठीक इसी तरह ये संसार का खेल जो है तीन सत्ताओं के बीच में है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा, और प्रकृति, ये तीन के बीच में नेचर,
ये तीन के बीच में खेल चलता है, लेकिन तीनों को अपना अपना कार्य मिला हुआ है। ये पत्तों को हिलाने का कार्य नेचर का है, वो नेचर को स्वतंत्रता है, वहां भगवान इंटरफियर नहीं करता है। वो हिलाता है पत्तों को, उसका काम वो है। आत्माओं को अपना काम मिला हुआ है अपने लेवल का, ये हाथ उठाने का काम व्यक्ति खुद करता है अपनी मर्जी से, प्रकृति के दबाव में आकर के, सात्विक राजसिक तामसिक के। यही प्रकृति अगर सात्विक प्रकृति के आधार पर है तो ये हाथ उठेगा किसी को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन अगर तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो यही हाथ उठेगा किसी को थप्पड़ मारने के लिए। तो प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव में स्थित व्यक्ति बरतता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है, क्योंकि जो कर्म मैंने किया उसका फल भी मुझे ही भोगना है। तो भगवान का इंटरफियरेंस वहां नहीं है, और परमात्मा अपने लेवल पर काम करता है, आत्माएं अपने लेवल पर काम करती है, प्रकृति अपने लेवल पर काम करती है, ये तीनों का काम बटा हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है इस संसार में, ईश्वर से उनको दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? हर इंसान को दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट विवेक युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की गिफ्ट मिलती है, जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सकता है। और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की स्वतंत्रता, कि मुझे ये अच्छा करना है या बुरा करना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो ये दो गिफ्ट हर इंसान को जन्म लेते ही प्राप्त होती है, स्वाभाविक है। आज एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा तुरंत कहेगा अपनी विवेक युक्त बुद्धि से, आपने झूठ बोला। उसको भी समझ है कि ये सही नहीं बोल रहा है, लेकिन उस समय बड़े क्या कहते हैं, चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता है। अब जैसे ही वो बात हमने उसको कही, तो बच्चा चुप तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक द्वंद्व चलता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, और ये कहता है मैं समझता नहीं हूं। क्यों नहीं समझता? मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे आपके पास आकर बोलते हैं कि भाई हमारे टीचर ने कहा, मैं समझता नहीं, और वो झूठ बोले जा रहे थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे माँ बाप को आकर सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? तो एक बच्चे के पास भी ये विवेक है, ये बुद्धि है कि ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, लेकिन उस समय जब बड़े ने कहा चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोल रहा है, चुप तो हो जाता है, लेकिन फिर उसकी प्रकृति जैसा माहौल उसको मिला, उसके दबाव में आकर के, अगर तामसिक प्रकृति का होगा तो वो सोचता है माना झूठ बोलना यही सही है। तो दूसरी बार वो आपके सामने झूठ बोलेगा, और तब बड़े क्या कहे, झूठ बोलता है, कहां से सीखा, ऐसा कोई करता है क्या? अब वो बच्चा अंदर में बहुत द्वंद्व में चलता है कि जब मैंने सही बोला तो ये कहता है तुम समझता नहीं है, जब मैंने झूठ बोला तो कहता है झूठ बोलता है, ये कहां से सीखा? अब ये द्वंद्व उसको कहां ले जाएगा कि जिस तरह की प्रकृति के दबाव में वो जीता है उसके अंतर्गत वो उसी चीज को अपनाता है, तो उसमें परमात्मा का रोल कहां आया? इसलिए मनुष्य जो करता है, कर्म का सिद्धांत यही है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है जो हर एक मनुष्य पर अप्लाई होता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है, और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित
प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते हैं। भावार्थ ये है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में यह बात कही गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। उसने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इसीलिए कहा कि भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, कि जब हम ईश्वर को उसके लिए जिम्मेवार समझे, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय कर्म्स। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा था कि जब उसने सोचा भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे परिवार वाले उस कर्म में हिस्सेदार है, और उस महात्मा ने उसको ये बात कही कि पहले पूछ के तो आ तू अपने परिवार वालों से, क्या वो आपके कर्म में भागीदारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं, इतना पाप कर्म करके लिए उनको पाल रहे हैं, क्या वो मेरे कर्मों में भागीदारी बनेंगे? जब परिवार वालों ने कहा भाई तू कर रहा है तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों तेरे कर्म में हिस्सेदार बने, तब उसने अपना जीवन चेंज कर लिया। कि हाँ, एक लुटेरे वाल्मीकि से महर्षि बन गया। कहने का बाबर ये बात आज से हम भी स्पष्ट समझ ले कि हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हम ही है, न भगवान है न परिवार वाले हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई जिम्मेवार नहीं बनने वाले है, वो कोई हिस्सेदार बनने वाले नहीं है। मेरे कर्मों के फल की प्राप्ति मुझे ही मिलेगी, और जैसा करेंगे जो करेंगे जितना करेंगे उतना मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसीलिए संसार में रहते हुए मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता से असीम सुख का अनुभव कर लेता है, असीम सुख की प्राप्ति। तो असीम सुख किसमें है? इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न सुख उसमें असीम सुख नहीं है, वो टेम्पररी है, विकृत सुख है। जो आज सुख देगा कल दुख का अनुभव कराएगा, लेकिन जो उस वेग को सहन करके अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन और बुद्धि को उसको वश में कर लेता है, वो उस असीम सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते इंद्रियों के ऊपर संयम ले आ, इंद्रिय जीत बनो। और यही बात को जैन धर्म में गीता से ही उठाकर कहा जय जिनेन्द्रिय। बार बार एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं जय जिनेन्द्रिय कह करके। तो इसीलिए वो समर्थ आत्मा सच्चा योगी है जो अपने कर्मेंद्रिय के अधीन
कभी नहीं होता, लेकिन अपनी इंद्रियों को स्वयं के अधीन, स्वयं मालिक बन करके अपने इंद्रियों को चलाता है, वो असीम सुख का अनुभव कर सकता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान कहते कि हे अर्जुन, बाहर के विषय दृश्यों का चिंतन नहीं करो। बाहर के विषय जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि बाहर के विषय जो विकृतियां हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, उसका चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, जो आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मंदिर जाते हैं ना तो एक प्रथा है कि चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर जाकर तिलक करते हैं, फिर मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन क्यों करते हैं मालूम नहीं। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो और वो उतार करके फिर अंदर जाके तिलक लगाओ भ्रुकुटी की मध्य, अर्थात स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मेडिकल साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जो कहाँ है, भ्रुकुटी के ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का निवास स्थान। ये मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित है, लेकिन सरफेस मार्किंग ये है भ्रुकुटी, इसीलिए यहां तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना माना उस कॉन्शियसनेस में आना कि मैं ये देह नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना, मन को शांत करना, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करना और संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी कल्याण की कामना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को प्रवाहित करना, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। यह ध्यान की यथार्थ विधि है कि ध्यान में बैठना कैसे, क्योंकि अक्सर मनुष्य जब ध्यान में बैठते हैं तो कारोबार की बातें चलेगी, कुछ समय इधर उधर के दृश्य याद आएंगे, है ना। तो जो आत्मसंयमी है, आत्मसंयमी वो अपने मन को सहज इन सभी बातों को, बाहर की बातों से स्वयं को उस कॉन्शियसनेस में स्थित कर सकते हैं और तब उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर प्रवाहित होने लगते हैं और वो ऊर्जा जितनी प्रवाहित होती उतना अपने आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी का ओरा हम क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान में बैठने की एक विधि बताई है। आगे का सत्र 6th अध्याय ध्यान योग, ध्यान में बैठने का साइंस क्या है, ध्यान में कब बैठना चाहिए, कितना बैठना चाहिए, बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, उसका जो साइंटिफिक तरीका है बताया है गीता के अंदर, उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे बाह्य सभी बातों से और एकाग्र करते हुए कुछ क्षण के लिए मन को उस परमात्मा में स्थिर करेंगे। स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, संयम हो मन बुद्धि के ऊपर भी, और कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से, दृश्यों से समेट लेते हैं। अंतर चक्षु को भीतर आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से
स्वयं को देखो ब्रकुटी की मध्य में, मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज। यह शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र की मालिक हूं, कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने सतो गुण स्वरूप में स्वधर्म में स्थित हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में, और अंतर चक्षु से देखते हैं कि जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करते हैं। मन की गति को शांत करते हैं, मन को शांत सच्चे सुख की अनुभूति में ले जाते हैं। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जा रही हूं, और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना दिव्य अनुभव है। मन शांत प्रसन्न है, परम आनंद का अनुभव कर रही हूं।
धीरे धीरे परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं और हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में इस ऊर्जा को प्रवाहित कर